हमारे सगीरा कबीरा सब गुनाहों को माफी अता फरमा। फिर मौला आज की रोजे के सदके, आज की रात के सदके सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफी अता फरमा। फिर मौला अपना और अपने महबूब का इश्क अता फरमा। फिर मौला आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमा, आका अलैहिस्सलाम की तबाह नसीब फरमा, आका अलैहिस्सलाम का अदब नसीब फरमा, आका अलैहिस्सलाम का इश्क नसीब फरमा, आका अलैहिस्सलाम के अदब में इंतहा दर्जे का मकाम अता फरमा। फिर मौला जो भी लोग बच्चे हुए मर्द औरतें जवानियाँ आए हैं उन सब के दिलों पर अपना रहमत करम फरमा, सबके घरों पर रहमतें और बरकतें फरमा, सबकी दिली जायज हाजात को पूरा फरमा। मेरे मौला मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान है सब पर अपना रहमत करम फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान को हादसों के हसन हर शर से बचा। फिर मौला कुछ दोस्त उनके अजीज इस दुनिया से चले गए मौला, जना शौकत साहिबा, जना लतीफ़ साहब और एक दोस्त और हमारे महफिल जाते हैं कि हमी अल्लाह पाक उन सब के सदीना को दिया गुनाह को माफ़ी का। और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में सदीना आदम ने फासले का आयता, कितने लोग इस दुनिया से चले गए और जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, अल्लाह पाक सबके सदीना को दिया गुनाह को माफ़ी का। और एक दोस्त यार महफिल में है जो आज उनको 14 साल हो गए बिछड़े हुए, अल्लाह पाक उनके दर्जा में बुलंदी अता फरमा, उनके हाल पर रहम और करम फरमा। और मेरे मौला आका अलैहिस्सलाम की उम्र में जितने भी लोग चले गए और हम सब लोग जो इस महफिल में हाजिर हैं, इनके अजीज़ अकारब बहन भाई माँ बाप अजीज़ों में से जितने भी लोग चले गए, अल्लाह पाक सबके सगीरा की बुरा गुनाह की माफ़ी अता फरमा, सबकी सबको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। मेरे मौला हम जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह पाक सब की दिली जायज हजात को पूरा अता फरमा। मेरे मौला हम सब की औलादों में आका अलैहिस्सलाम का इश्क जारी फरमा। मेरे मौला आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, आका अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मदिन वअला आलिही वसहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।